दोस्तों आज आपके लिए गेटेड सोसाइटी साइंस सिटी में फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट हाउस, विला और प्लॉट्स एक ही सोसाइटी में चारों चीज लेकर आए हैं, वो भी बैंक लोन के साथ। तो अगर आप साइंस सिटी में फ्लैट लेते हैं इस तरीके का, तो आपको मात्र 6.5 लाख रुपए का फ्लैट मिलता है, वो भी फुल पेमेंट के साथ में। तो गेटेड सोसाइटी साइंस सिटी में आपको इस तरीके का विला मिलता है 18 लाख रुपए में, और वो भी बैंक लोन के साथ में। दोस्तों गेटेड सोसाइटी साइंस सिटी में अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं, तो आपको 7 लाख रुपए में इंडिपेंडेंट हाउस मिलता है, जमीन भी अपनी और छत भी अपनी, वो भी बैंक लोन के साथ में। दोस्तों गेटेड सोसाइटी साइंस सिटी में अगर आप प्लॉट लेते हैं, तो आपको 2,25,000 रुपए में प्लॉट मिलता है, वो भी 1 साल की ब्याज किस्तों पर। तो गेटेड सोसाइटी साइंस सिटी में आपको 4 पार्क मिल जाते हैं, पक्की चौड़ी सड़कें मिल जाती है, 24 घंटे आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, 24 घंटे बिजली मिल जाती है, जमीन का मीठा पानी मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MH प्रॉपर्टी व्लॉग्स पर, जिसको आप लोगों ने बनाया इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉपर्टी YouTube चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दिल्ली NCR में सस्ती सस्ती और अच्छी से अच्छी आपके बजट में प्रॉपर्टी लाते रहते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी लेकर आए, जहां पर आपको एक सोसाइटी के अंदर ही सारी चीजें मिलने वाली है, जैसे कि प्लॉट्स हो गए, इंडिपेंडेंट हाउस हो गए, विला हो गए और फ्लैट्स हो गए। यहां पर आपको फ्लैट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इस तरीके का फ्लैट है, मात्र 6.5 लाख रुपए में फुल पेमेंट के साथ आपको फ्लैट मिलने वाला है, और आपको 18 लाख रुपए में इंडिपेंडेंट हाउस मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात 2,25,000 रुपए में यहां पर आपको प्लॉट मिलने वाला है, 7 लाख रुपए में इंडिपेंडेंट हाउस मिलने वाला है। पूरे दिल्ली NCR में सबसे सस्ती कॉलोनी आज ही हमारी होने वाली है साइंस सिटी के नाम से। तो यहाँ की ज्यादा जानकारी देने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं सुविधाओं की बात करता हूं, चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं आपको पक्की, ठीक है, ब्लैक रोड, साथ में आपको सुंदरता के लिए फाउंटेन दिया जाता है। गेटेड सोसाइटी है साइंस सिटी, बाहर ही आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, 4 पार्क मिल जाते हैं, 2 सोसाइटी के बाहर है और 2 अंदर है। अब आ जाइए सोसाइटी में, इस सोसाइटी में आपको 24 घंटे बिजली मिलने वाली है और जमीन का मीठा पानी मिलने वाला है। यहां पर अगर आप फ्लैट लें या इंडिपेंडेंट हाउस है या विला लें, कुछ भी आप ले, तो ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको सारी सुविधा चाहिए, तो बच्चों के लिए स्कूल बस गेट पे ही आ जाती है, यहाँ पे आसपास में ही 4 से 5 स्कूल है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, हर तरह के आपको यहाँ पे स्कूल मिल जाते हैं, तो गेट पे ही आपको अपने बच्चे को छोड़ना है, बस लेके जाएगी और छोड़ के जाएगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही सब्जी वाले, दूध वाले, राशन वाले सब यहाँ पर आते हैं। कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मथुरा आगरा हाईवे पर आपको कॉलेज हब मिल जाता है, करीबन 250+ कॉलेजेस हैं, करीबन 5,000+ कंपनियां हैं। पूछिए कहां पर? पलवल में। ये हमारी सोसाइटी होने वाली है पलवल, आगरा मथुरा हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारी साइड होने वाली है, सुलाखा रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर सुलाखा रेलवे स्टेशन है। आप अगर दिल्ली में यहां पर रह के जॉब करते हैं, तो आप महीने का 200-250 रुपए का पास बनवा के दिल्ली भी अप डाउन कर सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं, कहीं भी आप यहां पर अप डाउन कर सकते हैं। नहीं तो 1 किलोमीटर की दूरी पर आगरा मथुरा हाईवे, आपको वहां पे हर तरह का कन्वेंस मिलेगा, बस भी मिलेंगे, ऑटो भी मिलेंगे, ई रिक्शा भी मिलेंगे, सारी सुविधा आपको मिल जाती है, तो आने जाने की भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ की ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं बुलाऊंगा यहाँ के सेल्स मैनेजर राजेश जी को, जो कि यहाँ की पूरी और जानकारी देंगे विस्तार से। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी जो है हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे आप किस तरीके से प्लॉट खरीद सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस खरीद सकते हैं और विला खरीद सकते हैं, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो राजेश भैया एक बार आ जाइए। नमस्कार राजेश भैया, कैसे हैं? नमस्कार। एक बार हमारे व्यूअर्स से भी नमस्कार। नमस्कार सर। तो राजेश भैया, आज जैसे कि जानकारी तो देखिए मैंने सारी दे दी है, फिर भी जैसे कि आगरा मथुरा हाईवे से हमारी कॉलोनी साइंस सिटी 1 किलोमीटर हो जाती है, बस वगैरह जैसे ऑटो वगैरह वो आपको सोसाइटी के बाहर ही मिल जाते हैं। बिल्कुल मिलता है, ठीक है, स्कूल बस वगैरह भी यहीं बच्चों को लेके जाती है और छोड़ के जाती है। बिल्कुल जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर सबसे छोटा साइज प्लॉट की बात करें, तो उसका क्या अमाउंट और कितने गज का है? सबसे छोटा प्लॉट आपको 32 गज के मिल जाएगा, 2,25,000 रुपए का। 2 लाख फुल पेमेंट होने वाली? फुल पेमेंट होने वाली। अच्छा, 2,25,000 के लिए कुछ टाइम मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर टाइम आपको मिल जाएगा 1 साल तक का।
एक साल तक का, तो बुकिंग अमाउंट क्या देना है? 64,000 रुपए देने मात्र शुरू में आपको, 64,000 रुपए। तो राजेश भैया अब बात करते हैं, इस सोसाइटी में अगर कोई फ्लैट लेता है, जैसे कि आपने बताया 6.5 लाख रुपए, तो ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। और 6.5 लाख में हमें कितने BHK का फ्लैट मिल जाता है? 1 BHK फ्लैट। कितने गज में होना होगा? 34 गज में। तो इसमें डाउन पेमेंट क्या आ जाता है और कितना परसेंट लोन हो जाता है? डाउन पेमेंट आपको 1.5 से 2 लाख रुपए शुरू में देना है। अच्छा, 80% आपका लोन हो जाएगा। 80% लोन हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, 2 BHK भी यहाँ पर? 2 BHK भी। 2 BHK का प्राइस क्या है? 10 लाख से लेके 11 लाख रुपए तक। 10 लाख से 11 लाख रुपए तक, लोकेशन पर डिपेंड। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 BHK 6.5 लाख रुपए मिल जाता है 80% लोन के साथ। अगर आप यहाँ पे 2 BHK लेते हैं तो आपको 10 से 11 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। अब बात करते हैं हम विला की, तो ये विला जो है कितने गज में होने वाले? ये 74 गज के विला है, 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए फुल पेमेंट के? फुल पेमेंट के। तो इसमें भी कुछ टाइम वगैरह दे रहे हैं? 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। 6 महीने का। और इसमें भी बैंक लोन हो? बिल्कुल बैंक लोन। कितने परसेंट हो जाएगा? 80% लोन। 80%। तो दोस्तों आपको ये विला भी, 74 गज का विला है और सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में इस तरीके का खूबसूरत विला एक सीरीज से बने हुए। करीबन कितने विला होंगे राजेश? ये 28 से 30 विला है। 28 से 30। तो इसके अलावा भी कंपनी और बना रही है? हाँ जी, और भी बना रहे हैं। और भी बना रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आप खूबसूरत विला लेते हैं एक ही सीरीज से बने हुए हैं, तो ये आपको 18 लाख रुपए का पड़ता है 74 गज का, और 80% आपको लोन हो जाएगा, 20% डाउन पेमेंट देनी होगी। अगर आप कैश में लेते हैं तो 6 महीने का आपको कंपनी टाइम भी दे देंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस की, जैसे कि बताया आपने 7 लाख रुपए, तो वो कितने गज का होने वाला? 32 गज का आपका इंडिपेंडेंट हाउस है। 32 गज का, तो जमीन भी अपनी होगी और छत भी अपनी? छत भी अपनी। 7 लाख रुपए फुल पेमेंट? फुल पेमेंट। तो इसमें कुछ समय दिया है? इसमें भी 6 महीने टाइम दिया है। 6 महीने का, तो उस पर भी लोन हो जाएगा? 80% सब पे लोन। 80% लोन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ओम साई रेजिडेंसी के नाम से ये कॉलोनी है, सोसाइटी है, और ये जो है आपका सुलाखा रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आगरा मथुरा हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर पलवल में ये सोसाइटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस खरीद सकते हैं, विला खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपका इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि दिल्ली मथुरा हाईवे तो है ही, बिल्कुल, साथ में आपका KMP एक्सप्रेसवे यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे अलावा एक जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है वो है जयपुर टू बॉम्बे हाईवे, जो कि अब जयपुर तक स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी बॉम्बे तक स्टार्ट होने वाला है। तो जयपुर बॉम्बे हाईवे से ये 7 किलोमीटर की दूरी पर सोसाइटी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर कीमत बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ये भी समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज हब है, इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर आपको रोजगार की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ रहकर भी आप दिल्ली अप डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में, बाकी 1 किलोमीटर की दूरी पर आगरा मथुरा हाईवे, तो कन्वेंस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सब्जी वाले, राशन वाले, आपके दूध वाले, कोरियर वाले, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, वो सब यहाँ पर आते हैं दोस्तों सोसाइटी के अंदर। और इस सोसाइटी में आपको सिक्योरिटी मिलती है 24 घंटे, पार्क मिल जाते हैं, ठीक है, सारी सुविधा मिल रही है। तो अब बात करते हैं इस सोसाइटी में जहाँ पे प्लॉट्स हैं, यहाँ पे मैंने सुना है कि आपने कुछ क्लब वगैरह भी बनाए? क्लब बना रखे जी, वहाँ पे कमेटी सेंटर बना रखा है। कितने गज में होगा तकरीबन? करीबन 200 गज में। 200 गज में जी। तो वो फैमिली वाले यूज करते हैं? बिल्कुल, पार्टी वगैरह? पार्टी के लिए ही बनाया है। पार्टी के लिए बनाया, तो उसका कुछ चार्ज वगैरह लगेगा? कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, जैसे कि कॉलोनी में हर एक सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज मांगते हैं, जी जी, तो ये सोसाइटी में कोई मेंटेनेंस चार्जेस तो अभी कुछ भी नहीं है? अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन फ्यूचर कम्युनिटी बना के कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, अभी इस सोसाइटी में ये भी बता दूं, मेंटेनेंस चार्जेस 0 है, 1 रुपया भी नहीं है, कंपनी अपने हैंड से कर रही है। बाकी आप एक अपनी कम्युनिटी बना के मेंटेनेंस चार्जेस को जो है अगर सारे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं कॉलोनी को अच्छी से अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल रही है। रेट में बता दूं, 2,25,000 रुपये में यहाँ पे आपको 32 गज का प्लॉट मिल रहा है। इससे अलावा भी साइजेस मिल जाएंगे? हाँ जी, 50 गज 60 गज 100 गज जितना चाहिए उतना आपको। तो प्लॉट्स में एक साल का टाइम देते हैं? हाँ, 1 साल का टाइम देते हैं। डाउन पेमेंट पर गज पे 2,000 रुपये होता है। 2,000 रुपये होता है पर गज पे? पर गज भैया। यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने बात करी 32 गज की, इससे अलावा भी साइजेस मिल जाते हैं? इसके अलावा आपको 40 गज 50 गज 100 गज जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। पर गज पे कितनी बुकिंग है? डाउन पेमेंट 2,000 रुपये पर गज पे डाउन पेमेंट होता है। 50% पेमेंट अगर आप 3 महीने में कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्री करा देंगे। रजिस्ट्री जी, म्यूटेशन के साथ? बिल्कुल।
अच्छा, और अगर बात करते हैं एक साल का समय दे, बिल्कुल एक साल का टाइम दे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा भी था अभी कि कोरियर वाले, आप देखें कोरियर वाले भी सोसाइटी में आ चुके हैं कोरियर देने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई और भी डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पास में 1 किलोमीटर सामने ही JBM का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बना रही है, जो बसें बना रही है। अच्छा, और यहाँ से आपको आपको यहाँ जा रहा है जीवर एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल रास्ता सीधे ही चला जाता है। तो कितने मिनट की दूरी होगी यहाँ से? करीबन 20-22 मिनट लगता है। 20-22 मिनट, हाँ जी। तो दोस्तों जेवर एयरपोर्ट, जैसे कि इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ से 20-22 मिनट की दूरी पर आपको जेवर एयरपोर्ट भी मिल जाता है। तो सोसाइटी में आपको सारी सुविधा मिल रही है। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। राजेश भैया एक बार अपने ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए और साइट विजिट की क्या सुविधा रख रखी है? हमारे पास सुविधा के लिए ऐसे करते हैं जी, बल्लभगढ़ आपको राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन है, हाँ। 2 नंबर गेट पर आइए जी, वहाँ से हम आपको गाड़ी से पिक करके साइट विजिट करा देंगे। अच्छा, और अपने कन्वेंस से कोई आता है तो ऑफिस का एक बार एड्रेस और बता। एड्रेस हमारा JCB चौक पर ही है जी, वहाँ पर आप आइए ओम साई टावर के नाम से। ओम साई टावर के नाम से। तो दोस्तों आपको बाकी कोई भी असुविधा हो उससे पहले आप जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, और जब यहाँ पे आइए, जब एक बार सर से बात कर लें, वो आपको लोकेशन भेज दे, तब आइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लाते रहते हैं। तो मैं गौरव त्यागी लेता हूँ आपसे आज्ञा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।